सो गाइज ये क्वेश्चन 2 दिसंबर 2023 से है, पीपल एनवायरनमेंट में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से एक क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर डेवलप्ड और डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनको सेम टाइम टेबल दिया गया है या सेम समय दिया गया है ओजोन को, ओजोन के सब्सटेंसेस को फेज आउट करने के लिए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन है और आप सबको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, यानी कि जो जो केमिकल्स या जो जो गैसेस ऊपर जो हमारे ओजोन है स्ट्राटोस्फेयर में जो कि हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है, उसको जो केमिकल नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको फेज आउट करने के लिए, उनको हटाने के लिए है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि चाहे डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो, इन दोनों को सेम समय निर्धारित किया गया है कि आप इन समयों के अंदर जो है ODS को खत्म कर दें, ODS को या ऐसे सब्सटेंसेस को फेज आउट कर दें, है ना। अब दूसरा भी देख लेते हैं स्टेटमेंट, उसके बाद पूरी कहानी समझेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डेवलपिंग कंट्रीज आर रेफर्ड एज आर्टिकल 5 कंट्रीज। तो ध्यान से समझो भाई कि जितनी भी पहल हो रही है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हमने देखा ग्रीन हाउस गैस के लिए है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के लिए है, इन सभी के अंदर एक डिस्टिंक्शन किया जाता है और वो डिस्टिंक्शन है डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज का। क्यों ये भेदभाव किया जाता है? क्योंकि आज के डेट में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जब वो कल को डेवलपिंग कंट्रीज थी पास्ट में, तो उन्होंने सब कुछ भरपूर किया, उन्होंने CO2 भी बहुत एमिट किया एनवायरमेंट में, इसके अलावा उन्होंने ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले भी गैसेस को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया। क्यों किया? क्योंकि उस समय वो लोग डेवलप कर रहे थे। आज वो डेवलप कर चुके हैं, अब उनको ये सब काम करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह गई है। जबकि आज भी ऐसे देश हैं, जैसे हमारा इंडिया भी है तो वो एक डेवलपिंग कंट्री में आता है क्योंकि आज वो ग्रो कर रहा है, उसकी GDP जो है हर साल बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो अब डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो तुरंत ये सब काम करना अगर बंद कर देंगी, अगर वो CO2 एमिशन करना बंद कर देंगी, तो उनकी फिर ग्रोथ कैसे होगी? तो इसीलिए यहाँ पे दो विभाजन है, एक डेवलप्ड कंट्रीज के, डेवलप्ड कंट्रीज पे जो नियम लगाए जाते हैं थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि भाई उन्होंने अपना सब उत्सर्जन कर लिया और अब वो डेवलप कर चुके हैं तो उनके नियम कड़े हैं। जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको थोड़ी छूट दी जाती है क्योंकि अभी वो डेवलप कर रही हैं और आने वाले समय में वो डेवलप कैसे हो पाएंगी अगर अभी ही उन पे कड़े नियम लगा दिए जाएं। तो यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन है ना। जनरली ईजी नियम होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और स्ट्रिक्ट नियम होते हैं डेवलप कंट्रीज के लिए। तो जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई सेम ही टाइम टेबल है दोनों का, तो ये बात गलत है। यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो ये कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उसको डाला गया है आर्टिकल 5 कंट्रीज में, ये बात सही है। डेवलप्ड कंट्रीज को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में डाला गया है नॉन आर्टिकल 5 कंट्रीज, और जो डेवलपिंग कंट्रीज इनको डाला गया है आर्टिकल 5 कंट्रीज में, तो ये बात यहाँ पे सही है। इसलिए 4th ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है जबकि स्टेटमेंट 2 करेक्ट है।